हेलो फ्रेंड, ग्रामीण विकास विभाग न्यू वैकेंसी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं विज्ञापन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जल्द से आप लोग तैयार रहें और किस किस वैकेंसी में आप लोगों को यहां पे कौन कौन सा पद है आप सभी देखेंगे। ग्रामीण विकास विभाग न्यू वैकेंसी, तो सबसे पहले आप लोग जान ले विज्ञापन। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापक 4729 विज्ञापन संख्या 04-06-2007 संकल्प ज्ञापक संख्या 6440 दिनांक 17-7-2012 नियुक्ति सेवा शर्तें लागू हुई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी अनारक्षित के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 1, जिसे कि 13 पोस्ट वहाँ पे है। जैसे कि बताया जा रहा है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी तकनीकी सहायक सहायक अभियंता के समक्ष तकनीकी सहायक कन्या अभियंता के समक्ष लेखा सहायक एवं कंप्यूटर सहायक के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेघा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी आधारताधारी व्यक्तियों से विविध प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए हैं। जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए अपेक्षित और शैक्षणिक योग्यता अभियंता अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से सिविल संकाय में एमटेक तथा पीजी डिग्री एम यहाँ पे होना चाहिए। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता समक्ष के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था सिविल डिप्लोमा अनिवार्य होना चाहिए। लेखा सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता सरकारी मान्यता प्रथम विश्वविद्यालय संस्था के बीकॉम ऑनर्स या सामान्य बीकॉम न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण, सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण हिंदी जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ हो परंतु जिन्हें पश्चाताप होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत कंप्यूटर सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से निम्नलिखित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी साइंस के अंतर्गत। यहाँ पे बताया जा रहा है आयु सीमा की जहाँ तक बात की जाए अनारक्षित के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी अपडेट के तौर पे यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अनारक्षित के लिए 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष, महिला और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष से लेकर 47 वर्ष, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 से आपको 48 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आपको 40 से लेकर 50 वर्ष। प्रखंड पदाधिकारी यहाँ पे पदनाम मानदेय जहाँ तक बात की जाए यहाँ पे आपको मानदेय का तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का आपको यहाँ पे मानदेय है 19,500 तक, तकनीकी सहायक सहायक अभियंता के 19,234 तक। यहाँ पे बताया जा रहा है इन पदों पर नियुक्ति पूर्णता तथा संविदा के आधार पर की जाएगी। इसकी आप लोग को लास्ट डेट कब तक है यह अभी आप लोग देख चुके हैं। जैसे कि आपको आवेदन दिनांक 10-8-2021 से लेकर अपराह्न 5 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गढ़वा में केवल निबंधित डाक प्राप्त किया जाएगा, डाक द्वारा प्राप्त किया जाएगा, अन्य माध्यम से संबंधी आवेदन नहीं किया जाएगा। दिनांक आवेदन प्रपत्र दिनांक 10-8-2021 तक के अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इस चीज़ में अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन करना प्रारंभ कर दें। मैं हमेशा आप लोगों के लिए न्यू से न्यू और सही से सही जानकारी और सटीक से सटीक जानकारी लेके आता हूँ। इस कार्यक्रम के ज्ञापक 380 दिनांक 15-6-2020 द्वारा मनरेगा अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत यहाँ पे दिया जा चुका है। आपके लिए इस फॉर्म को अवेलेबल करने के लिए आप प्रखंड से आपको पता करना पड़ेगा, तब जाके आप इस चीज़ की आवेदन करके वहाँ पर आप इसे जमा कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। फिलहाल मिलता हूँ आगे ले वीडियो में, तब तक ले जाएं।